दोस्तों नमस्कार, इजी लिटिकल में स्वागत है। मैं विशू पटेल। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। आज देखेंगे CTPT को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्यों कहते हैं, इसकी बारे में पूरा जानकारी। CTPT को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्यों कहते हैं, इसकी बारे में पूरा जानकारी हम बताएंगे। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है CT करंट ट्रांसफार्मर और PT होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसी के बारे में पूरा जानकारी बताऊंगा। देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ CTPT, अलग अलग टाइप होता है, बार टाइप होता है, राउंड टाइप होता है। देखिए क्या होता है ना, इसका टाइप है, ये बहुत टाइप में आता है। जहां हमको रिकमेंड करता है, जिस जगह पे हमको जिस कंडीशन का रिकमेंड करता है, उस कंडीशन में हम लगाते हैं। देखिए, बार टाइप ऑफ CT, देखिए, देख सकते हैं आपने, ये ट्रांसमिशन लाइन में लगाते हैं। देखिए, द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू मीटर, हमने मीटर में डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमको CTPT लगाना पड़ता है सेफ्टी पर्पज के लिए। सेफ्टी पर्पज में बहुत चीज आता है दोस्तों। द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर लाइक द वोल्टेज ट्रांसफार्मर एंड करंट ट्रांसफार्मर, में जो बता रहा था, CTPT जो है वोल्टेज ट्रांसफार्मर एंड करंट ट्रांसफार्मर यूज टू इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट टू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, हमने इसमें मेजर कर सकते हैं क्या वोल्ट एम्पियर करंट KWH एक्सेट्रा। दोस्तों इसके बारे में देखिए, दोस्तों डेफिनेशन देखते हैं। करंट ट्रांसफर द करंट फ्रॉम द हाई वैल्यू टू लो वैल्यू CT करता है, और ट्रांसफॉर्म द वोल्टेज हाई वैल्यू टू लो वैल्यू अपना PT करता है। इसका कनेक्शन डायग्राम है, CT सीरीज में होता है, PT पैरेलल में होता है। ये चीज आपको सर्किट डायग्राम में मैं आपको दिखा रहा हूँ, पिक्चर में आप देख सकते हैं। इसका सर्किट डायग्राम CT और PT का, CT सीरीज में है और PT पैरेलल में है। कोर में देखते हैं, यूजुअली बिल्ट अप विथ लेमिनेशन सिलिकॉन स्टील का होता है CT, लेकिन PT होता है द मेड ऑफ द विथ हाई क्वालिटी स्टील ऑपरेटिंग लो फ्लक्स डेंसिटी होता है अपना PT का। PT का हमेशा लो फ्लक्स डेंसिटी होता है और हाई सिलिकॉन स्टील CT का होता है। कनेक्शन आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, CT सीरीज में होता है दोस्तों, लेकिन PT पैरेलल में कनेक्शन होता है विथ एम्पियर मीटर में CT होता है, वोल्ट मीटर में अपना PT होता है, जिसमें PT में हमने वोल्टेज मेजरमेंट कर सकते हैं, अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज हमने वोल्टेज मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन CT में हमने करंट मेजरमेंट करते हैं। देखिए, प्राइमरी सर्किट होता है, हैज ए स्मॉल नंबर ऑफ टर्न, CT में रहता है और PT में रहता हैज ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न। एग्जैक्टली MCQ क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इसका प्राइमरी बाइंडिंग के बारे में बताइए। ए स्मॉल नंबर ऑफ टर्न होता है प्राइमरी, और PT का होता है लार्ज नंबर ऑफ टर्न होता है PT का प्राइमरी में, ये MCQ भी है दोस्तों। सेकेंडरी में क्या होता है, इसका वाइस वर्सा होता हैज ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ कैन नॉट बी, हैज ए स्मॉल नंबर ऑफ टर्न कैन बी ओपन सर्किट। देखिए क्या होता है, इसमें स्मॉल नंबर टर्न में ओपन सर्किट होता है, लेकिन कैन नॉट बी, हमने लार्ज नंबर ऑफ टर्न हम सेकेंडरी में यूज नहीं कर सकते हैं, CT बोल रहा है हम लोग का। ये चीज को आपको ध्यान देना होगा सेकेंडरी सर्किट में। रेंज देखते हैं, इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। CT 5/A सेकेंडरी होता है और 1 एम्पियर सेकेंडरी रहता है, लेकिन PT का सेकेंडरी वोल्टेज रहता है 110 वोल्ट, 33/110 वोल्ट, 11 kV/110 वोल्ट PT का रहता है, लेकिन CT का 1000/5 एम्पियर, 1000/1 एम्पियर इस तरह का रेंज में रहता है। और आपको इसका देखिए क्या होता है, CT का जब प्राइमरी 1000 एम्पियर लेता है तो उसका सेकेंडरी में 5 एम्पियर बना के छोड़ता है, यही चीज़ बोल रहा है। इसका ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है, CT हाई रहता है, PT लो रहता है। इसका जो रेशियो में जो ट्रांसफार्मेशन जो रेशियो होता है, CT का हाई होता है और PT का आपका लो होता है, करंट ट्रांसफार्मर का हाई होता है दोस्तों और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का लो होता है, ये चीज आपको माइंड में रखना होगा। और देखिए, वार्डन के बारे में, डोज नॉट डिपेंड ऑन द सेकेंडरी वार्डन, ये सेकेंडरी में कोई डिपेंड नहीं करता है, लेकिन PT डिपेंड ऑन द सेकेंडरी वार्डन। देखिए, इसका एक ये एक एडवांटेज है कि CT ने डिपेंड नहीं करता है वार्डन को आपका सेकेंडरी में, लेकिन PT आपका डिपेंड करता है सेकेंडरी वार्डन में, ये चीज़ आपको माइंड में रखना होगा कि जो वार्डन होता है उसमें PT और CT का क्या डिफरेंस है। ये कई बार MCQ आ चुका है। इनपुट देखते हैं, कॉन्स्टेंट करंट के लिए CT है दोस्तों और कॉन्स्टेंट वोल्टेज के लिए अपना PT है, ये चीज़ को आपको बार बार याद रखना होगा कि कॉन्स्टेंट करंट के लिए CT है और कॉन्स्टेंट वोल्टेज के लिए PT है, आपको ये माइंड में रखना होगा ये चीज़। इनपुट के लिए इसका इनपुट जो फंडामेंटल है CTPT का क्या बोल रहा है, मैं इसीलिए आपको पारी पारी से लेके बता रहा हूँ कि आपको इजी इलेक्ट्रिकल में समझ में आ जाए। मेरा थीम है ये कि आपको इजीली समझाना है CT और PT के बारे में, और इसके बारे में और आपको इजी करते जाता हूँ। आगे देखते रहिए आपने क्या होता है, इजी कैसे होता है। देखिए, फुल लाइन करंट क्या होता है, दो प्राइमरी बाइंडिंग कॉन्स्टेंट द फुल लाइन करंट, ये क्या होता है, फुल लाइन करंट के लिए होता है, लेकिन
इसका जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है फुल लाइन वोल्टेज में होता है पीटी, और फुल लाइन करंट में होता है सीटी। देखिए फुल लाइन करंट का पीटी वोल्टेज में एप्लीकेबल होता है और सीटी करंट के लिए एप्लीकेबल होता है। देखिए टाइप टू टाइप बाउंड और क्लोज कोर सीटी रहता है। सीटी का टू टाइप होता है, बाउंड एंड क्लोज कोर। यह पूछा जाता है कितना टाइप का सीटी रहता है, टाइप पूछा जाए आपको। और पीटी भी टू टाइप का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड कैपेसिटिंग कैपेसिटर वोल्टेज। दो टाइप का पीटी है और दो टाइप का सीटी है। आपको आगे कुछ नहीं बोलना है। दो टाइप का रहता है सीटी, बाउंड एंड क्लोज कोर, और पीटी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड कैपेसिटर वोल्टेज। दो टाइप का पीटी भी रहता है, दो टाइप का सीटी भी रहता है। इंपेडेंस देखते हैं, सीटी का लो रहता है, पीटी का हाई रहता है। ये इंपेडेंस बहुत बड़ी चीज होता है इलेक्ट्रिकल में, तो क्योंकि ये ट्रांसफार्मर है तो सिटी में क्या होता है कि बहुत कम रहता है, और आपने ट्रांसफार्मर देखे होंगे कि उसमें भी बहुत कम इम्पीडेंस रहता है, लेकिन पीटी का इसमें जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है उसका इम्पीडेंस हाई है। दोस्तों ये चीज़ को आपको हमेशा माइंड में रखना है, और आप इस चीज़ को मैं अलग अलग कर दिया हूँ आपको इजीली समझ। एप्लीकेशन देखते हैं, मेजरिंग करेंट, पावर मॉनिटरिंग, पावर ग्रिड ऑपरेशन एंड ऑपरेशन प्रोटेक्टिव रिले। सिटी का काम है कि आपको KWH पावर हो गया, करंट हो गया, मॉनिटरिंग करना है, ऑपरेशन करना है, उसको प्रोटेक्टेड भी करना है कि ज़्यादा ओवर करंट, अंडर करंट जो भी हमने प्रोग्राम करेंगे वो सिटी करता है। और पीटी में अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट अपना सिटी करता है। शॉर्ट सर्किट अपना वोल्टेज के लिए कुछ होगा तो हाई करंट से सिटी ही करता है, और पीटी उसमें शो करता है। देखिए मेजरमेंट, पावर सोर्स, ऑपरेटिंग प्रोटेक्टिव रिले, ये दोनों को इसीलिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहा जाता है। दोस्तों ये दोनों को इसीलिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहता है, ये मास्टर माइंड है, ब्रेकर का मास्टर माइंड है CTPT। देखिए कनेक्शन बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। देखिए सीटी सीरीज में कनेक्शन हुआ है और पीटी पैरेलल में कनेक्शन हुआ है, इसीलिए इसको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बोला जाता है, क्योंकि प्रोटेक्ट करता है टाइप को, प्रोटेक्ट करता है इक्विपमेंट को, प्रोटेक्ट करता है अपना जो भी मशीनरी को, इसीलिए इसको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। CTPT को इसीलिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बोला जाता है, उसको इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर नहीं बोला जाता है। MCQ कई बार आया है और आते रहेगा कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या है, सीटी दे रहेगा, पीटी दे रहेगा, CTPT दे रहेगा। आपको आंख बंद करके CTPT को चॉइस करना है। कई बार आया, ITI में आया, डिप्लोमा ग्रेड में आया, बी लेवल में भी कभी कभी आ जाता है दोस्तों आपको, कि CTPT को क्यों इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहा जाता है, या CTPT क्या है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है कि नहीं। आपने जानते होंगे कि इसके बारे में पूरा मैं जानकारी दिया हूँ आपको, कि सीटी जहाँ हमको करंट मेजरमेंट करना है, KWH मेजरमेंट करना है, पावर मेजरमेंट करना है, वहाँ सीटी यूज करते हैं, और पीटी जहाँ हमको वोल्टेज मेजरमेंट करना है विथ प्रोटेक्शन के लिए, ड्राइव का प्रोटेक्शन के। देखिए इसके बारे में मैं बताऊंगा। 1000 एम्पियर आपका प्राइमरी में, तो 5 एम्पियर सेकेंडरी में फ्लो कर रहा है दोस्तों। यही है सीटी का काम, यही है सीटी का काम। अगर अगर हमने सीटी नहीं लगाएंगे तो 1000 प्राइमरी में होगा तो सेकेंडरी में भी 1000 होगा, तो अपना मीटर काम नहीं करेगा, प्रोटेक्शन काम नहीं करेंगे। देखिए यही बोल रहा है रेशियो, इसका जो बोलता है 1000/1 रेशियो है, जो सिटी मैं हिंदी में बता दिया हूँ, 1000 एम्पियर प्राइमरी में तो 1 एम्पियर सेकेंडरी में आपको देता है, ट्रांसफर करता है, क्योंकि ट्रांसफर में सिटी करंट, टी में ट्रांसफर, ट्रांसफर करना, सी में करंट, टी में ट्रांसफर, ट्रांसफार्मर जिसको बोलता है ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर मतलब वन साइड टू अनदर साइड ट्रांसफर करना है। पीटी का भी यही है कि वोल्टेज को ट्रांसफर करता है, ठीक है। देखिए 1000/5, 1000/1, उसका क्या रेशियो, ये सीटी का रेशियो है, और इसके बारे में जरूर मैं एक वीडियो बना के आपको सामने लाऊंगा। अगर आप मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कि मुझे आपका प्यार मिलते रहे और नया नया टेक्निकल टिप्स लाते रहूँगा।